धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों और लोगों की भूख मिटाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पोषण कोष अब सहारा बनेगा। इस पोषण कोष को पंचायत भवन के पास SBI ATM के साथ स्थापित किया गया है। इस पोषण कोष में करनाल मोटर्स के जन्नत सिंह बाली के सहयोग से फ्रिज लगाया गया है और इस फ्रिज में रॉबिनहुड आर्मी के सहयोग से खाना पैकिंग में रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को DLSA की चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना सहनी के विशेष प्रयासों से स्थापित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं CJM नितिन राज ने आज देर शाम DLSA की तरफ से पंचायत भवन ATM के साथ स्थापित किए गए पोषण कोष पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। CJM नितिन राज, करनाल मोटर से जन्नत सिंह बाली, रॉबिनहुड आर्मी से एडवोकेट श्वेता सिंह ने रिबन काटकर पोषण कोष की शुरुआत की और जरूरतमंद बच्चों ने इस पोषण कोष से भोजन भी ग्रहण किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद शहर में कई जगहों पर DLSA की तरफ से NGO के सहयोग से पोषण कोष प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना मिल सके। इस जिले में DLSA की तरफ से जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना एक अनोखी और पहली योजना है। CJM नितिन राज ने बातचीत करते हुए कहा कि कुछ समय पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अध्ययन करते समय उनके समक्ष ये तथ्य आए कि विश्व में 121 देशों में भारत का 107वां स्थान है और ये तथ्य भी सामने आए कि भारत में 23-24 करोड़ लोग रोजाना भूखे सो जाते हैं। इन तथ्यों को जानने के बाद उनके जहन में एक सोच पैदा हुई कि कुरुक्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए। इस सोच को करनाल मोटर्स के मालिक जन्नत सिंह बाली के प्रयासों से धरातल पर लाने का काम किया गया। इस संस्थान की तरफ से एक फ्रिज उपलब्ध करवाया गया जिसमें खाना सुरक्षित रह सके और इसके साथ ही रॉबिनहुड आर्मी के सदस्यों ने खाना उपलब्ध करवाने की हामी भरी, क्योंकि रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से पहले से ही जरूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि DLSA ने इन संस्थानों के सहयोग से पंचायत भवन के समक्ष पोषण कोष स्थापित किया है। ये पोषण कोष सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। इस पोषण कोष से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भोजन ग्रहण कर सकेगा। इस पोषण कोष के पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने में संस्थाओं के साथ साथ आमजन भी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। इसके लिए लोगों, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी सहित अन्य संस्थानों को बचे हुए खाने को सुरक्षित रखना होगा ताकि इस खाने को पैकेटों में बंद करके पोषण कोष में फ्रिज में रखा जा सके। इसके लिए या तो लोग स्वयं पैकेट बनाकर भोजन इस फ्रिज में रख सकते हैं या फिर रॉबिनहुड आर्मी के सदस्यों के दूरभाष नंबर 90505-70707 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह, DLSA से रूमन सहित कई अन्य संस्थाओं के सदस्य भी मौजूद रहे। पोषण कोष हमारी एक पहल और एक ये मुहिम है कि जो भी वांछित लोग भूख से सो रहे हैं रात को, उनको भूखा ना रहना पड़े और वो हक से यहाँ पर आए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाए। इसकी परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि पिछले दिनों मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें हमारे देश की सूची में 107वां नंबर है 121 देशों में। इसका मतलब है कि 23 से 24 करोड़ लोग रोज भूखे सो रहे हैं। तो हमने भी प्लान बनाया और जन्नत जी से पहले डिस्कस किया, इन्होंने वो प्लान कागज से धरातल पे लाने में हमारी मदद की और ये फ्रिज हमें मुहैया करा दिया। रॉबिनहुड आर्मी से हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही उत्साहित होकर हमारे साथ आए और एक जो खाना वेस्ट होता है ये ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं कि लोग इकट्ठा करते हैं और गरीबों पे बांटते हैं। तो हमने इस मुहिम को एक कदम और आगे लिया है कि जो भी हमारे घरों में खाना बच रहा है, हमारी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में खाना बच रहा है या कन्फेक्शनरी शॉप्स हैं या बेकरी शॉप्स हैं या जो रेहड़ी पे भी खाने का सामान बनाकर बेच रहा है, वो अगर जो भी उसका सामान बच रहा है तो कृपया फेंके ना, उसका छोटे छोटे पैक बनाकर या तो खुद रख दे इस फ्रिज में जो कि द्रोणाचार्य स्टेडियम के सामने स्थापित किया गया है, या दो पीछे नंबर दिए हुए हमारे, फोन करें, हमारे रॉबिनहुड आर्मी के सोल्जर आपके पास आएंगे और वो खाना इकट्ठा करके ले जाएंगे ताकि इस फ्रिज में रखा जा सके। मेरा ये एक और मानना है कि किसी के सामने खाने के लिए हाथ फैलाना बहुत ही जिल्लत भरा होता है और राइट टू डिग्निटी हमारे संविधान में निहित है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट।